नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं दिन भर की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को कई जानकारियां मिल रही हैं और वह लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना का खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। इस घटना को अब तक कभी नहीं देखा गया था। वैज्ञानिकों ने धरती से करीब 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा गैलेक्सी को खोजा है। ये आकाशगंगा धीरे धीरे मरती जा रही है। ये आकाशगंगा नए तारे बनाती है, लेकिन नए तारे का निर्माण करने वाली गैस और ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भारत में पुलिस कस्टडी में रखे गए लोगों की मौतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर आधिकारिक डेटा में जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। दरअसल पिछले 20 साल में देश भर में कस्टडी में रहने के दौरान 1888 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर इन मौतों पर कार्रवाई के आंकड़ों को देखा जाए तो सामने आता है कि 20 साल में सिर्फ 26 पुलिस कर्मियों को ही कस्टडी में हुई मौतों के लिए दोषी पाया गया। झारखंड में ड्रग्स के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को एक महिला मॉडल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मॉडल ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है और वह कई लोगों को इसमें शामिल कर चुकी हैं। झारखंड पुलिस ने मॉडल के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज्योति नाम की मॉडल रांची में ड्रग्स का कारोबार करती थी। वह युवाओं को निशाना बनाती थी, पहले या ड्रग्स लेने वाले युवाओं को प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर उन्हीं से ड्रग्स का धंधा भी कराती थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,197 नए केस सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,555 है, जो पिछले 1,28,555 दिन में सबसे कम है। वहीं बीते 24 घंटे में महामारी से 301 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,134 लोगों ने महामारी को मात दी है। 10,197 नए मामलों में से केरल से ही 55,000। सपा के 4 MLC रविशंकर सिंह, पप्पू नरेंद्र भाटी, CP चंद एवं रमा निरंजन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य में सपा के वफादार सिपाही रहे। नरेंद्र भाटी के जुड़ने से भाजपा को ताकत मिलेगी और सपा का 100% सफाया होगा। दिल्ली में 20 सड़क पर स्कूटी सवार एक महिला ने कैब चालक की पिटाई कर दी। ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला ड्राइवर को थप्पड़ मार रही है और एक शख्स ड्राइवर का बचाव करते हुए वीडियो बना रहा है। जांच में ये बात सामने आई है कि वायरल वीडियो वेस्ट पटेल नगर इलाके का है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कैब चालक की ओर से इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। इस आभासी मुद्रा में निवेश का इस कदर बढ़ना दरअसल इससे मिलने वाले तेज रिटर्न के कारण है। लेकिन इस बीच कई ऐसी अनजान क्रिप्टो करेंसी भी सुर्खियों में आई है, जिन्होंने एक दिन में ही निवेशकों को आम से खास बना दिया और कुछ ही घंटों में उन्हें फिर कंगाल बना दिया। इनमें सबसे ऊपर स्क्वेड और LPT का नाम आता है। भले ही इन्हें पहले कोई ज्यादा ना जानता हो, लेकिन एक झटके में निवेशकों को कंगाल बनाने के बाद इन पर जमकर चर्चा हो रही है। दिल्ली NCR की आबोहवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार की सुबह दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 दर्ज किया गया है। आपातकालीन प्रयास के बावजूद भी हवा बहुत खराब स्तर में जारी है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हवा 432 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आया नगर में AQI 349 दर्ज किया गया। बवाना में 417 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में है। मध्य प्रदेश में सेकंड डोज को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य किए गए हैं। इसी तरह मेलों में दुकान लगाने वाले, सिनेमा देखने जाने वालों, सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वालों के लिए भी दोनों डोज की अनिवार्यता के नियम बनाए गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में CRPF के 2 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने CRPF पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया।
ग्रेनेड के फटने के बाद दो जवानों और दो नागरिक जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। आतंकियों की तलाश के लिए अन्य सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पूरे इलाके में कई जगहों पर चेकिंग शुरू की गई है। इन खबरों में बस इतना ही, धन्यवाद।